अब जो है भिक्षा लेकर के जब निकलिए सूया कहते ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे, हमको निर्वस्त्र होकर के भिक्षा चाहिए। अरे संसुईया समझ गई, ये कोई महान नहीं है ब्राह्मण है, ये तो समझ गए। उनका ठीक है ब्राह्मण, हम निर्वस्त्र लौटाएंगे, भिक्षा देकर लौटाएंगे, तुमको वापस नहीं जाओगे। तक्षर जो है एक चुरुआ जल लिया जो है और तीनों देवताओं को छोड़ दिया, वो नन्हे नन्हे बालक बन गए। आज ब्रह्मा विष्णु महेश नन्हे नन्हे बालक बन गए और जा करके पलने लिटा दिया अनसूया ने, तीनों अनसूया के हाथ खेलने लगे जो है आ ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इस प्रकार से अनसूया के हाथ तीनों बालक बन करके खेल रहे हैं। नारद जी पुनः पहुंचे जा करके पार्वती के यहाँ, हमारे स्वामी के कोई हाल चाल मिला, बहुत दिन हो गया गए चित्रकूट। अरे कहा हाल चाल बहुत खराब है, हाल चाल बताने लायक नहीं है। कहा क्या हुआ? अरे कहा आपके पति को बालक बना दिया, वही खेल रहे सूर्या के यहाँ, ब्राह्मणी के यहाँ गए, ब्राह्मणी से यही बताया कि आपके स्वामी जी को हम सूर्या ने बालक बना दिया। लक्ष्मी के यहाँ गए, लक्ष्मी ने को यही बताया कि आपने पति को भेज कर चौपट कर दिया, आपके बाप पति को बालक बना दिया, खेल रहे हैं। अब तीनों देवियां थर थर कांप रही हैं कि जब वो हमारे स्वामी जी को बालक बना दिया, हमको भी कुछ बना देगी, क्या करें, हमारे स्वामी जी कैसे मिलेंगे, अब कैसे स्वामी को रह सकते हैं। इस प्रकार से तीनों देवियां किसी प्रकार से ढांढस बनाया चलने के लिए चित्रकूट अनसूया के आश्रम में। तीनों देवियां गई, थर थर कांप रही हैं और जाकर के चित्रकूट अत्रि के आश्रम में पहुंची अनसूया के यहाँ। और अनसूया के यहाँ जब पहुंची तीनों देवियां थर थर कांप रही हैं, मारे डर के मारे लगता था इनका हार्ट फेल हो जाएगा, बीपी जो है तेज हो गई। और अनसूया ने देखा ये तो जो है इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, भाई क्या बात है। कहा हमारे स्वामी जी आके हाय हुए हैं, हमारे स्वामी को दे दीजिए, विनती किया। कहा स्वामी जी आए हैं? कहा है स्वामी जी आपके? कहा यहाँ पे के यहाँ आए हैं। कहा हमारे यहाँ तीन बालक पड़े हुए हैं, हम नहीं जानते कि आपके स्वामी है कौन है, अपने पतियों को चल करके चीर लीजिए, हम क्या करेंगे आपके पति को, ले जाए अपने पति को। ले गए जो है तीनों देवियों को, उन तीनों बालकों को दिखाया, कहा पहचान लीजिए आपके बालक हो। अब उनकी पतिव्रता गायब हो गई, अपने पतियों को नहीं पहचान पा रही हैं। वो पतिव्रता कहाँ चला गया? आज तीनों देवियां अपने पतियों को नहीं पहचान पा रही हैं, थर थर कांप रही हैं डर के मारे कि हमको भी कुछ ना बना दे। इस प्रकार से अनसूया ने देखा लगता हार्ट फेल हो जाएगा, इनका बीपी तेज हो गई है, तो कहा क्या बात है, चिंता मत करो। कहा महारानी जिस प्रकार से मेरे पति आपके यहाँ आए हैं उसी प्रकार से इनको कर दीजिए, तो हम पहचान पाएंगे। तब मानसूया ने चुरुआ जल लिया और तीनों बालकों पर छोड़ दिया, अपना दंड कमंडल लेकर के तीनों देवता सज धज करके तैयार हो गए। तब देवियों ने अपने पतियों के पास खड़ी हो गई जाकर के। मानसूया ने कहा पतियों को पा गए? कहा महारानी बहुत बड़ी कृपा किया, आपने दया किया, मेरे पतियों को आपने प्रदान कर दिया, अपने अपने पतियों के पास खड़ी हो गई तीनों देवियां जो हैं। बड़ा उपकार किया का धन्य है प्रभु, आपने जो है माँ मेरे पतियों को दे दिया, बड़ा उपकार किया है आपने। इस प्रकार से तीनों देवियां अपने पतियों को प्राप्त कर लिया। और वो धन्य है चित्रकूट यहाँ की 12 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, सारे पेड़ सूख गए, पक्षी मर रहे हैं, जीव मर रहे हैं, और उनके पति अनसूया वो अत्रि जी जो है तपस्या में बैठे हैं, उनका गला सूखा जा रहा है, जल नहीं है। अपने पत्नी से कहा जल का प्रबंध करो, अरे जल तो 12 साल से बरसा ही नहीं आए, तो कहां से जल ले आए। अत्रि की प्यास को समाप्त करने के लिए उनकी पतिव्रता अनसूया ने कहा हम जल ले आएंगे, अपने पति को पिलाएंगे चाहे जैसा भी हो। इस प्रकार से निश्चय करके जल खोजने लगी अनसूया चित्रकूट में, जल खोजने लगी पत्नी को पिलाने के लिए, प्यास को दूर करने के लिए, कहीं जल नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने ध्यान किया, माँ गंगा का ध्यान किया, और गंगा ने तुरंत जो है वहाँ चित्रकूट में आई और उनके कमंडल में जल भर दिया, वो गंगा जो है कमंडल में जल डाल दिया और वही जल जा करके अत्रि को पिलाया उनकी पत्नी अनसूया ने। और कहा देवी जल तो कहीं है ही नहीं है, ये जल तुम कहाँ से ले आई हो?
ये बतलाओ, इस प्रकार से कहा ये माँ गंगा जो है ये जल प्रदान किया है और गंगा जल के द्वारा जो अपने प्यास को जब समाप्त किया, धन है पान पति प्रधान सूर्या ने अपने तपोवन से गंगा को चित्रकूट में ले आई और गंगा जल पति को पिलाया और जब पति ने जल को पिया इसके बाद जो है गंगा जाने को तैयार हो गई। गंगा जी जाने को तैयार हो गई तो हाथ जोड़ करके कहा अब आप नहीं जा सकते हो। पति पत्नी दोनों ने कहा आपको यहीं रहना है। ये जब निवेदन किया गंगा ने कहा यदि आपको यहीं रखना है हमको एक हाथ का गड्ढा खोदिए और कमंडल का जल उसी में जाल डाल दीजिए। तब जा करके वो कमंडल का जल गड्ढा खोद करके डाल दिया, वहीं से मंदाकिनी गंगा जो है ये चित्रकूट में प्रवाहित हो गई। ये वहीं पर अत्रि और अनसूया के तपोबल से गंगा मंदाकिनी आई और ऐसे मंदाकिनी चित्रकूट को पवित्र कर रही हैं। धन्य है वो चित्रकूट जहाँ साक्षात अत्रि और अनसूया ने गंगा को प्रकट किया। तो ऐसे यहाँ तीनों देवी अपने पतियों को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा हाथ जोड़ करके तीनों देवताओं ने माँ अनसूया से, हे माँ हम तुम्हारे यहाँ पन बालक बनकर के खेले हैं इसलिए एक एक बालक का तुमको दान दे रहे हैं। तीनों देवताओं ने एक एक बालक आज उनको अनसूया को प्रदान किया, दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा। तीनों देवता ने एक एक बालक का दान किया और उसके बाद दान करने के बाद आज तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर के अपने धाम को चली आई। वृंदा बिहारी लाल की। तो ऐसी सुशीला देवी जो है महान पतिव्रता, जैसे अनसूया थी उसी प्रकार से आज सुशीला देवी कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से कि वो जो है ब्राह्मण की पत्नी सुशीला देवी महान पतिव्रता है। अब वर्तमान में जो है गृहस्थ आश्रम में निवास कहती है। पतिव्रता पतिम ब्राह्म राजा, लेकिन इतनी सुंदर जो है वो सुशीला देवी कभी पति से नहीं कहा हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो था उसी में अपना जीवन यापन करती सुशीला देवी। नन ब्राह्मण भगवता सखा कहते ब्राह्मण भगवान साम। बहुत दिन हो गए, एक दिन उनकी पतिशीला देवी ने अपने स्वामी जी से कहा कि हमने सुना है कि आपके जो है सखा मित्र जो है साक्षात लक्ष्मीपति हैं और इस समय जो है राजा हैं द्वारकापुरी के, तो आप एक बार उन्हीं के पास चले जाइए। इस प्रकार से सुशीला देवी से उनकी पत्नी सुशीला देवी ने अपने स्वामी से कहा सुदामा जी से, अनसुना कर दिया। एक बार नहीं कई बार कहा। तब जो है ब्राह्मण देवता सोचा हमारी अगर 10 बात मानती है तो एक आध बात हमको भी माननी चाहिए। घर में झगड़ा काहे होता है, पर पत्नी में अपना पति बात तो मनवाएगा पत्नी से और उसके बात को मानने को तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे के बात को मानेंगे, समझ बूझ करके चलेंगे तो ऐसा वो घर कभी झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। और पत्नी अपने पति को भगवान के समान मानेगी, उसकी पूजा करेगी तो उसको जो है कभी उस घर में झगड़ा नहीं होगा। पति भी अपने पत्नी लक्ष्मी मानेगा, यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहां लक्ष्मी का निवास होता है। वैसे जो सम्मान के सहित नारी का जो सम्मान करेंगे और पत्नी जो है अपने पुरुष का पति का जो है देवता के समान सम्मान करेगा, ऐसा घर स्वर्ग है, वैकुंठ है, यहीं पर है। इस प्रकार से लोगों को एक दूसरे के प्रेम किसने बना करके रखना चाहिए, क्योंकि जीवन जो नित्य है, कोई 50 साल कोई 60 साल कोई 80 साल इतने रहना है, जाना सबको है, जो आए हैं सबको जाना है और मृत्यु भी निश्चय है, मृत्यु सबको जाना है निश्चय है। इसलिए अपने जो साथी है साथी को साथ में लेकर के चलें और समुचित रूप से आचरण व्यवहार करते हुए इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम को व्यतीत करें। तो ऐसे जिस प्रकार से आज सुशीला देवी अपने पति सुदामा जी के साथ जो है गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर रही हैं। ननु ब्राह्मण भगवान ने सखा का साक्ष्य शिवापते भगवान स्वाहा, हे स्वामी जी आप उन्हीं के पास जाइए, हमने सुना है आपके सखा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जो पहुंच जाता है उसको सब कुछ दे देते हैं। तो भाई महाभागम साधु नाम क्या प्रायणम दास द्रविणम भुवन सीते थे कुटुंब ने, और जो जाता है लौट के वापस नहीं आता निराश, तो आप दास द्रविणम भूरिम
इतना दे देंगे कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हे भगवान, स्वामी जी आप वही द्वारका पुरी चले जाइए अपने सखा मित्र के पास जो है। आस्ते अधुना द्वारका भोज केसरा मुता कमल अच्छी आज सुनने सुना द्वारका पुरी के राजा है वो, तो ऐसे उनके पास जाइए। जगत गुरु संसार के जो है रचयिता है, संसार के रक्षा करने वाले भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आप कन्हैया के पास चले जाओ। ऐसे उनकी पत्नी बार बार जो है प्रार्थना कर रही है स्वामी जी से। स्वयं भार्या विपुल परमोदा बार बार पत्नी ने कहा तो आज सुदामा जी सोचा हमारी पत्नी ठीक कह रही है, कम से कम उत्तम श्लोक दर्शना भगवान का श्री भाई दर्शन तो होगा। इस प्रकार से निश्चय कर लिया, ठीक है देवी हम तुम्हारे कहने से जरूर जाएंगे कन्हैया के पास। और ये निश्चय कर लिया, अयम ही परमो लाभ, यही लाभ होगा, भगवान का दर्शन होगा, कुछ नहीं मांगेंगे हम। और इस प्रकार से जो है निश्चय के इति संचित मनसा गमनाय मतिं दधम, ये अपने मन को जो है चलने का निश्चय कर लिया, अवश्य भगवान के पास जाएंगे द्वारकापुरी। अति पाणम पिंटे गृहम कल्याणी दीता है। सुदामा जी ने कहा देखो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि राजा के पास, देवता के पास, वैद्य के पास बिना रिक्त हस्तन गंतव्य, डॉक्टर के पास बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवता के पास, गुरु के पास, वैद्य के पास, इनके बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आज हम भगवान के पास जा रहे मिलने के लिए, हे देवी कुछ मिलने के लिए दे दो, खाली हाथ मत भेजो, कुछ दे दो मिलने के लिए। ऐसा सुदामा जी ने पत्नी सुशीला से कहा। तो या चित्तो चित्रो मुश्रे तंदुलान चेर खंडन भक्ति पायता में, तो बेचारी घर में तो कुछ है नहीं, तो पड़ोसियों के यहाँ से चार मुठी चावल मांग करके ले आई, और चार मुठी चावल मांग करके सुशीला देवी एक फटे पुराने कपड़े बांध दिया, जो परत पर परत लगा हुआ है ऐसे पुराने कपड़े बांध करके स्वामी जी को प्रदान कर दिया चार मुठी चावल। जाकर कन्हैया को बड़े प्रेम से प्रदान करना, ये ऐसा सुशीला देवी ने स्वामी जी को दिया चार मुठी चावल। द्वारका किला ये प्राप्त करके सुदामा जी जो है द्वारकापुरी की ओर चलने के निश्चय कर लिया। चिंता मन में चल रहे हैं और उनके मन में चिंता होती है, साक्षात लक्ष्मीपति हैं, द्वारकापुरी के राजा हैं, हमें दरिद्र जो है कैसे क्या हमको पहचान पाएंगे, कैसे हमको दर्शन देंगे, कैसा हमारा सम्मान करेंगे। इस प्रकार से मन में अनेक प्रकार तर्क वितर्क करते हुए सुदामा जी चल रहे हैं द्वारकापुरी की ओर। उस प्रकार से जो है चलते चलते थक गए सुदामा जी, वृक्ष के नीचे लेट करके जो है रेस्ट लेने लगे। उस प्रकार से भगवान समझ गए कि आज मेरा भक्त मुझके मिलने के लिए आ रहा है, मेरा सखा मिलने के लिए आ रहा है, बड़ी कृपा किया उसने कि बहुत दिन के बाद मेरी याद किया, जो है सारी जो है उसने इसमें बिता दिया अपनी गरीबी में कभी भी, लेकिन उसकी पत्नी सुशीला देवी जो है हमारे पास भेज रही है धन और किसलिए दर्शन के लिए। तो आज उस बड़ा थक करके बेचारा ब्राह्मण थक गया है, तो सूक्ष्म रूप से जो है तुरंत जो है भगवान ने उसको गरुण भेज करके और वहां से उठा करके द्वारकापुरी उतार दिया। ये बात किसी को मालूम नहीं हुई। और जब